वाली है। तू मेरा चल दे चल दे अगोडा मीन्स वाटर इन पोर्चुगीज लैंग्वेज और इस वाटर टैंक की कैपेसिटी 24 लाख। जाओ जाओ जाओ, मैं कह रहा हूँ ना जाओ। हाँ जाओ। दीवारों की दुनिया में क्या जगह का नाम है? कलरफुल बॉल के नाम से टूरिस्ट स्पॉट है। कलरफुल की खास बात यही है, सिंगम की शूटिंग हुई थी उस वजह से जगह बहुत फेमस हो गई है। कुछ है यहाँ, हम शायद ही यार बहुत थक गए हैं। Welcome to another vlog of One Soul Couple, Dishe. So this is day 3 of our Goa trip और बहुत enjoy हो रहा है। पहले तो आपको view दिखाते हैं कि आज हम कहाँ बैठे हैं। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, but बाकी पूरा view दिखाओ। तो ये सारे cabanas लगे हुए हैं यहाँ पे और ये हमारा swimming area है और स्विमिंग पूल डीप भी बहुत है, क्लीन भी बहुत है। और अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके आए हैं। कैसा लगा तुम्हें ब्रेकफास्ट प्रॉपर्टी का? ब्रेकफास्ट बहुत ही यम था, मतलब प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट था और मज़ा आ गया। तो प्रॉपर्टी अच्छी है, मज़ा आ रहा है। आज देखते हैं हमारा क्या प्लान है। हमारा पहले प्रोग्राम था कि हम यहाँ से सुबह जाएंगे अगोडा फोर्ट देखने। अगोडा ही था ना? हाँ, अगोडा फोर्ट देखने जाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे वो डियर जिंदगी वाली जो अपनी वायरल रोड है। मेरा बहुत मन है वहाँ जाके ना रील्स बनाने का और वहाँ जाके ब्लॉग शूट करने का। तो सोचा था हमने कि वहाँ जाएंगे बट बारिश की वजह से हम निकल नहीं पाए क्योंकि स्कूटी है। अब फाइनली यहाँ बारिश रुक चुकी है और अब बारिश रुक गई, हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम है तो स्विमिंग तो करेंगे। तो एक घंटा अपने यहाँ स्विमिंग करके, आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करके, थोड़ा सा आपको हमारी स्विमिंग दिखा के, अपनी स्किल्स थोड़ी सी स्विमिंग की शो ऑफ करके, फिर हम यहाँ से जाने वाले हैं शायद फोर्ट या उस रोड पे या मे बी कोई बीच। आई डोंट नो कहाँ जा रहे हैं। खूब सारा फन होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस व्लॉग ऑल्सो। सारे जल्दी से जाओ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो गोवा की वजह से हमारे व्लॉग्स को देख रहे हैं सब्सक्राइब करो चैनल को और बाकी सारे व्लॉग्स देखो यार, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलो फिर चलते हैं और स्विमिंग करते हैं। yes. आओ लेट्स गो। वहाँ जंप करके दिखाओ, होता मैं करके दिखाता हूँ। देखते हैं जंप कैसा होता है इनका। ये लेट्स गो। ये क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ? जल्दी से पूरा, वरना तो ठंड लगेगी। आजा 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 आजा। एक डुबकी मार लो। आफ्टर वेरी रिफ्रेशिंग पूल बात यार, मज़ा आ गया पूल में। तो उसके बाद रेडी हो गए हम। तो एक मिनट हटाना। खुल गया, रेडी हो गए हम। कैसा लग रहा है मेरा ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन? अब हम रेडी होके ना यार समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए क्योंकि बारिश हो रही थी, फिर मौसम एकदम से चेंज हुआ। तो हमने वही सोचा यार, सुबह हमने सोचा था अगोडा फोर्ट जाएंगे, तो अब हम यहाँ से जाने वाले हैं अगोडा फोर्ट। फिर अगोडा फोर्ट के बाद हम जाने वाले हैं दो तीन चीजें। कौन सी वाली गली है वो? डियर जिंदगी वाली रोड। डियर जिंदगी वाली रोड है जो सारे रील्स पे बहुत ज्यादा वायरल रोड है, वहाँ जाने वाले हैं और रील भी बनाने वाले हैं। पानी में फेंको, मैं थोड़ी अधूरी हूँ।
तू थोड़ा अधूरा नहीं नहीं है जो भी है वो लव यू जिंदगी वाली रोड पे हम जाने वाले हैं, तो बस अपने सेकंड कपल का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आता है स्कूटी स्टार्ट करके सीधा वहाँ विलेज, फिर रात का सीन देखते हैं क्या है। तो व्लॉग में बने रहो यार। टिकट ले हैं पहले ये है टिकट काइंड ऑफ थिंग जो हमें अंदर दिखाना है। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं अगोड़ा फोर्ट में और यहां से इस व्यू को देखो, मतलब कितना सुंदर व्यू है यार। तो इस फोर्ट को कुछ लोग अगवाड़ा फोर्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग अगोड़ा फोर्ट भी बोलते हैं। और इस फोर्ट के दो पार्ट हैं, अपर और लोअर। इस वक्त हम लोग अपर अगवाड़ा फोर्ट में हैं। तो ये फोर्ट सन 1612 में पोर्चुगीज़ ने बनवाया था वाटर रिजर्व करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी बड़ा वाटर टैंक भी है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइट हाउस है। और इस फोर्ट का नाम भी वाटर से रिलेटेड ही है क्योंकि अगोड़ा मींस वाटर इन पोर्चुगीज़ लैंग्वेज। और इस वाटर टैंक की कैपेसिटी 24 लाख गैलन है और पोर्चुगीज़ इस वाटर टैंक का यूज़ करते थे अपने शिप्स को वाटर सप्लाई करने के लिए। दीशे आइए बस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर्स कहाँ हो? सब्सक्राइबर ढूंढ रहे हो तुम? आ जाओ सब्सक्राइब कर दो वन सोल कपल को। ले लो। थैंक यू। तो गाइस गेस व्हाट, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग यहाँ के फेमस ओल्ड गोवा चर्च जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। यहाँ आप लोगों को वो मूवी याद होगी दिलवाले, शाहरुख, वरुण धवन, काजोल, कृति सेनन, उस मूवी की शूटिंग में एक चर्च दिखाया गया है। वो चर्च यही चर्च है। काफ़ी मूवी शूट हुई है, जैसे आई गेस गोलमाल में भी है ये चर्च। मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद बट बहुत सारी मूवीज हैं। याद आया आप सबको चर्च देख के याद आ गया होगा। ये चर्च में आना, पता है मेरी जिद थी, मैं आना चाहती थी इस चर्च में क्योंकि मैंने इतनी मूवीज में देख लिया था ना, तो मेरे को था कि यहाँ तो हम जरूर आएंगे। लो गाइस, आपके लिए सरप्राइज और साथ में हमारे लिए भी सरप्राइज कि चर्च के अंदर एंट्री है ही नहीं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस चर्च के अंदर एंट्री होती ही नहीं है। आओ टाप के चलते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं हम। जाओ तुम जाओ, मैं वीडियो बनाता हूँ। कोई तो कुछ बोलेगा इसमें से निकल जाओ। जाओ जाओ जाओ। हाँ हाँ जाओ, आप लोग बताओ चले क्या। जाओ जाओ आप किस तूफान में करते हैं? जाओ मैं कह रहा हूँ ना जाओ। हाँ जाओ वहाँ ब्लू तक चले जाइयो, वहाँ तक।
देख रहे हो सिर्फ तुम्हारे लिए सब करना पड़ रहा है, खतरों के खिलाड़ी हो गई है मेरी बीवी। आओ तो सही, अब मैं तो जा रहा हूँ, कोई चलान चलून हुआ इसका होगा, निकल दो। ऐसे तो ना करेंगे यार, आने दो, ऐसे नहीं जाएंगे, छोड़ दो। बाकी कोई आया मज़े तो आएंगे, यही तो फन है। कोई आया भी नहीं पकड़ने, मुझे लगा कुछ तूफानी हो जाएगा। कहाँ बैठे हैं, कुछ कुछ बोला नहीं कार्ड्स ने? बहुत ऐसे स्पूकी वाली फीलिंग आ रही थी। इनको बताया नहीं क्या शूटिंग के लिए हम आए हैं, अक्षय कुमार और दीपांशी पादुकोण। पता है क्या हुआ, थोड़ा सा ना स्पूकी लग रहा है ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा है काफी टाइम से ऊपर की तो घास ही नहीं कटी है, इतना इतना यहाँ यहाँ तक घास आ रही थी। कुछ होगा अगर कोई गार्ड वगैरह मिलता है तो पता करते हैं कि चर्च क्यों बंद है। उधर ना ऊपर एक गार्ड भैया है, तो उनसे पूछ के आओ ना ये चर्च क्यों बंद है। ऐसे कौन पूछता है, बंद। आप बाहर आओ, पहले बाहर आओ, अंदर क्यों खड़े हो, बाहर निकलो। भैया बंद क्यों कर रखा है पर? हाँ जी, मतलब क्यों है, मतलब बंद किस लिए, कुछ बता सकते हो? ब्लॉग बनाते हैं हम, इसलिए पूछ रहे हैं, कुछ पता है कि क्यों? जनता जवाब चाहती है भैया, बंद क्यों है नहीं मालूम। कितने टाइम से बंद होगा ये? कोविड टाइम से ही बंद है, तो यहाँ शूटिंग वगैरह नहीं होती। अब मूवीज की शूटिंग हुई है ना यहाँ पे। आ जाओ, चल आ जाओ, चलो कोई नहीं, आओ। कोविड टाइम से ही बंद है ये, तभी मैं सोचूं इतनी बड़ी बड़ी घास क्यों है वहाँ पे। चलो तो इसी के साथ आपको चर्च कैसा लगा बताओ। ये चर्च के सामने का व्यू है, और यहाँ से थोड़ी सी दूर एक हमने सुना है कलरफुल हाउस है, वॉल है कलरफुल वॉल है, समथिंग है, थोड़ा सा ही दूर है, तो वहाँ जाते हैं। फोटोजेनिक वॉल्स है, अब वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। ये खतरों के खिलाड़ी वाला टास्क ना मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, तो इस ब्लॉग पे अगर लाइक और कॉमेंट नहीं आए तो मैं बात नहीं करूंगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दो। सी यू। आ गए हम कलरफुल दीवारों की दुनिया में। क्या जगह का नाम है? कलरफुल वॉल के नाम से टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफी लोगों के इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है यहीं। तो गाइस आपको बोला था पंजिम थोड़ा सा दिखाएंगे, तो पंजिम में आ गए हैं, और पंजिम में आ गए हम डोना पोला बीच पे। तो डोना पोला की खास बात यही है, सिंगम की शूटिंग हुई थी, उस वजह से जगह बहुत फेमस हो गई है। पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ क्या है। जिसने सिंगम मूवी देखी है देखा होगा गुंडों को पेला था खम्बा उखाड़ के, मेरे को क्लिप भी डालेंगे सिंगम वाली। और यहाँ का जो व्यू है मेन ये है देखने लायक, यहाँ ऊपर भी कुछ है, यहाँ हम शायद ही आए हैं, बहुत थक गए हैं। बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ भी सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं, 50 रुपए की एंट्री फीस। सीरियसली ये हर जगह 25 रुपए 50 रुपए हर जगह टिकट्स लग रही हैं, और हम नहीं आते ऐसी जगह, ना हमारा प्रोग्राम था यहाँ तो कोई, बट यहाँ पे हम आए, हमने कहा यार गोवा आए हैं और हम अपनी YouTube फैमिली को गोवा घुमाना चाहते हैं, तो उनको दिखाएं कि गोवा में और क्या क्या है घूमने के लिए। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, और एक कमेंट भी कर ही देना। चलो बिल्कुल, 50 रुपए खर्च किए यार, इतना तो 200 हक बनता है। चार बंदे थे, 200। अच्छा, बाकी यहाँ से ऊपर आए गए, ऊपर कोई चर्च है या नहीं? चर्च ऊपर जस्ट साइट सीइंग वगैरह है, जो हम करेंगे नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे यार हम, ठीक है। यहीं पर स्केट वेट मारी थी जो भी करा था, और अगर सिंगम मूवी है तो 100% स्कॉर्पियो और कुछ नहीं होता। कैसा लगा तुम्हें डोला पोना आके?
डोना पोला आगे डोना पोला देखनी पड़ेगी एक बार, देखी तो थी याद आ गया ना, याद आ गया बट अब दोबारा बाहर जाके सबको थोड़ा सा वो, हम तो क्लिप डाल ही देंगे सबके लिए, हमने तो बाहर फोटोज देख ली, आपके लिए क्लिप साइड में एक चल रही होगी, वो क्लिप देखो रिलेट कर पाओगे जगह को। ऊपर तक पानी आएगा। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा घूम के नहर काफ़ी थक गए हैं, अब यही हो रहा है कि टाइम हो गया है 7 बज गए हैं, अब समझ नहीं आ रहा होटल जाके सोएं या तो कहीं पार्टी करने के लिए कहीं बाहर जाएं, क्योंकि टायर्डनेस इतनी हो गई है। आज हमने कुछ ज़्यादा पार्टी शार्टी भी नहीं करी, आज हमने सोचा था कि हम गोवा को एक्सप्लोर करेंगे, आज आप लोगों को हम अपना पूरा दिन निकालेंगे अपने YouTube के लिए कि आज पार्टी की जगह हम आपको गोवा दिखाएंगे। तो आपको गोवा दिखाया हमने, कैसा लगा ज़रूर बताना। अब हम रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, प्रोग्राम अभी कुछ फिक्स नहीं है, कल का भी हमारा कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं है, तो लेट्स सी क्या प्रोग्राम बनता है। और अभी मैंने सोचा चलो आपको पहले गोवा के रास्ते दिखाते हैं कि गोवा के लोकल रास्ते हैं कैसे, तो मैडम स्कूटी चला रही है और आपको गोवा के रास्ते दिखा रही है। तो गोवा की जो मेजर रोड्स है ना, अभी हम पंजिम में गए थे, वो गोवा सिटी है, पंजिम इज अ कैपिटल ऑफ गोवा, अभी हम सिटी में थे, वहाँ ऑफिसेज है, बट अगर आप पूरे गोवा की बात करोगे ना तो पूरे गोवा में मैक्सिमम रोड सारी ऐसे पतली पतली हैं और पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है, हर जगह आपको ऐसे जो अपने कोकोनट ट्रीज बोलते हैं बड़े बड़े आपको कोकोनट ट्रीज वगैरह दिखेंगे, ग्रीनरी आपको यहाँ प्रॉपर मिलेगी, क्योंकि गोवा के अंदर ना यार बारिश बहुत होती है, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऑल सीजन बारिश चलती ही चलती है। तो गाइस मिलते हैं सबको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।